नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि RHS ने जो BSc नर्सिंग का रिजल्ट निकाला है वो नेम वाइज निकाला है, रैंक नहीं निकाली है। तो रैंक मैंने निकाल दी है दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए। अब आपके जो नंबर है वो मैंने रैंक के अनुसार सेट कर दिए हैं। जो स्टूडेंट BSc नर्सिंग में टॉप किया है वो है मनोज कुमार सनोब रतन सिंह, जिन्होंने 91 नंबर ला के BSc नर्सिंग में टॉप किया है। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ मनोज कुमार। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो BSc नर्सिंग है उसकी कट ऑफ कितनी रहेगी। तो ये जो मेरिट लिस्ट है इसको देखने के बाद मुझे लगता है कि इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ कि 70 से अबव कितने बच्चों के आ रहे हैं, कितने बच्चों के 70 अबव नंबर आ रहे हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे जिन्होंने टॉप किया है मनोज कुमार ने, इन्होंने 91 पे टॉप किया है। आगे बात करते हैं, फिर 90 नंबर है, फिर 88 पे काफ़ी बच्चे हैं, और फिर 87 पे चलते हैं। तो ये आप इधर देख रहे हो, ये सीरियल नंबर है। ये वाले सीरियल नंबर वो है जो आपको PDF में मिलेंगे। RHS BSc नर्सिंग का जो रिजल्ट आया था उसमें सीरियल नंबर थे वो इधर है। आगे ये आपको रोल नंबर मिलेंगे, ये फॉर्म नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, और आपने जो स्कोर प्राप्त किया है वो आपको इधर दिखाई देगा। तो मैं आपको ये जो रैंक लिस्ट है ये दिखा देता हूँ। इसमें बात करते हैं अपन 70 से अबव कितने बच्चे हैं। तो आप देख लीजिए, जो भी बच्चे 70 से अबव है, इसमें अपन बात करेंगे कट ऑफ को लेके। तो मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसमें आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी बच्चे हैं जो इसमें OBC और जनरल से है। इसमें अपन देख पा रहे हैं कि 81 पे अपन आ गए हैं। 81 पे अपन बात करें तो 81 पे 63 बच्चे हैं जो 81 से अबव है। आगे चलते हैं इसमें, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि जिनकी रैंक 100 आ रही है, तो 100 रैंक आ रही है सतीश कुमार यादव की, उन्होंने 79 नंबर गेन किए हैं। आगे चलते हैं, तो देखो कट ऑफ SMS की, OBC और जनरल की कट ऑफ इस मेरिट लिस्ट को देखते हुए मुझे लगता है कि काफ़ी हाई रहने वाली है। इस PDF में कि 200, जिनकी रैंक 200 है या 200 के अंडर में जिनकी रैंक आ रही है उनके कितने नंबर आ रहे हैं। अधिकतर बच्चे आप देख पा रहे हो, जैसे ये है कुमावत नाम से जो बच्चा है, ये कुमावत है, ये OBC में है, यादव है OBC में है, ये गौर है, ये भी शायद OBC में ही आते हैं, मिश्रा है, ये भी OBC में है। सभी बच्चे, अधिकतर बच्चे हैं जो OBC में ही है। आगे प्रजापत है, ये भी OBC में ही है। तो अधिकतर बच्चे हैं जो OBC से मिलेंगे आप। तो इस PDF को देखते हुए ये लगता है कि काफ़ी हाई इसमें कट ऑफ रहने वाली है। तो कट ऑफ रह सकती है 110 रैंक तक। चलते हैं 110 वाले के कितने नंबर आए हैं। तो अपन PDF में देखते हैं 110 रैंक जिसकी है तो उसके कितने नंबर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 110 पे। आप देखिए 110 पे गौरव का नाम है, गौरव शर्मा, गोपाल शर्मा, इन्होंने 78 नंबर प्राप्त किए हैं, 110 रैंक है। तो जिन बच्चों के एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, और ये ही नियर बाई कट ऑफ आपकी रहने वाली है। तो अपन कट ऑफ का आइडिया लगाए तो जनरल की कट ऑफ, एक जनरल मेल की कट ऑफ का आइडिया लगाए तो SMS के लिए जनरल मेल की कट ऑफ SMS के लिए रहेगी 78 या 78 से अबव मेल की कट ऑफ। ये दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कट ऑफ हाई रहेगी क्योंकि काफ़ी अधिक बच्चे बैठे थे और कट ऑफ हाई इसलिए रही है। OBC के बच्चों की बात करें, OBC मेल की बात करें, तो इसमें कट ऑफ है जो लगभग जिसकी रैंक आ रही है 120 के लगभग मान के चल लेते हैं। इसमें कुछ बच्चे SC ST MBC कैटेगरी ये है बीच में, तो अपन 120 के लगभग जिसकी रैंक आ रही है उसको SMS कॉलेज मिल जाएगा। तो अपन देख लेते हैं 120 पे कितने नंबर आ रहे हैं। तो 120 पे अपन नीचे चलेंगे तो लगभग 77 नंबर है जो इसमें 120 रैंक तक आ रहे हैं। तो जिन बच्चों के 77 नंबर है उनको SMS कॉलेज मिलेगा OBC में, और जिन बच्चों के 78 नंबर है उनको जनरल में SMS मिलेगा। ये रियल कट ऑफ रहेगी या इसके नियर बाई कट ऑफ रहेगी। आगे चल लेते हैं, फीमेल की कट ऑफ कितनी रहेगी। मैं इसमें आपको SC ST की कट ऑफ भी बताऊंगा, अभी फीमेल की कट ऑफ का एक आइडिया लगा लेते हैं। तो फीमेल की कट ऑफ इस मेरिट लिस्ट को देखते हुए मुझे लगता है
कि एसएमएस की कट ऑफ रहेगी वो 70 से अबव रहेगी, 70 से अबव फीमेल की कट ऑफ इसमें रहेगी। जनरल और ओबीसी फीमेल की कट ऑफ एसएमएस के लिए काफ़ी अधिक रहेगी। अब बात कर लेते हैं आरयूएचएस के लिए। आरयूएचएस ओबीसी जनरल मेल और ये भी मेल, जनरल मेल की बात करें आरयूएचएस के लिए तो ये कट ऑफ रहेगी वो 75 के अबाउ रहेगी, या नियर बाय इसके लगभग कट ऑफ रह सकती है, एक नंबर ऊपर या एक नंबर नीचे। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 73 के अबाउ कट ऑफ रहेगी मेल की। ओबीसी में ये कट ऑफ रियल कट ऑफ या इसके नियर बाय कट ऑफ रहने वाली है। आगे बात कर लेते हैं फीमेल की। आरएचएस में जनरल फीमेल और ओबीसी फीमेल, जनरल फीमेल की बात करें तो इसकी कट ऑफ रहेगी वो 70 से अबाउ कट ऑफ रहने की इस बार संभावना है, काफ़ी अधिक बच्चे बैठे हैं। तो आरएचएस जिन बच्चों को चाहिए उनके 70 अबाउ नंबर होने चाहिए। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में लगभग मुझे लगता है कि फीमेल की कट ऑफ रहेगी वो 68 के लगभग इसकी कट ऑफ रह सकती है। इसमें एक दो नंबर ऊपर वेरी कर सकता है, 50% सीट रिजर्व रहती है, तो इन नंबरों में आप +1 या +-1 करके चल सकते हो, मतलब नियर बाय इसके कट ऑफ रहने वाली है। तो अब मैं आपको ये PDF दिखा देता हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फटाफट से कमेंट्स भी कर दीजिए। मुझे लगता है कि इस बार की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई रहने वाली है। आप देख पा रहे हो, अपन आगे इसमें चलते हैं। तो 270 जिसकी रैंक आ रही है उन्होंने 73 नंबर गेन किए हैं, और अपन चलते हैं रैंक 300 पे चलते हैं। जिनकी रैंक 300 आ रही है उनके 72 नंबर आए हैं। ये मेरिट लिस्ट आप देख रहे हो, ये रैंक वाइज है, प्रोविजनल नहीं है, ये रैंक वाइज मेरिट लिस्ट है। आगे आप देखते रहिए फटाफट से, मेरिट लिस्ट है। इसमें अपन बात करें तो 70 अबाउ कितने बच्चों के आए हैं, अपन बात कर लेते हैं। अभी अपन 300 पे चल रहे हैं तो 400 रैंक पे चलते हैं। 400 नंबर पे जो रैंक है, 400 नंबर पे रैंक आई है इनकी, और इनके 70 नंबर आ रहे हैं। तो जिनके 70 नंबर आ रहे हैं उनको भी मुझे लगता है कि एसएमएस मुश्किल मिलेगी। मुश्किल क्या, गवर्नमेंट भी मुश्किल हो सकता है इन नंबरों पे मिलना, क्योंकि 50% सीट तो रिजर्व रहती है गर्ल्स की। आगे चलते हैं, इसमें आप देख लीजिए फटाफट से। जिनकी रैंक 450 आ रही है, 450 आ रही है उनके नंबर आ रहे हैं 69 नंबर आ रहे हैं। आगे चलते हैं कि 500 रैंक पे कितने नंबर आ रहे हैं। तो 500 नंबर पे अपन देखते हैं, जिनकी रैंक 500 आ रही है, ये देखिए 500 रैंक आ रही है जिनके 68 नंबर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एससी और एसटी की कट ऑफ भी इस बार काफ़ी हाई रहने वाली है। मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि इसमें एसटी और एससी की कट ऑफ कितनी रहेगी, ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। गवर्नमेंट सीट की बात करें तो गवर्नमेंट सीट 728 गवर्नमेंट सीट है। अब दोस्तों ये रैंक आप देख पा रहे हो, रैंक बात करें अपन तो अपन आ गए हैं 700, ये देखिए आप 700 रैंक पे आ गए हैं, और ये 700 जिसकी रैंक आ रही है उनके नंबर आ रहे हैं 65। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ है, जो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ बॉयज़ के लिए रहेगी वो 65 के तो अबाहू रहेगी, और ये रियल है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। काफ़ी
अधिक नंबर आए हैं बच्चों के। गवर्नमेंट की बात करें तो ओबीसी और जनरल की लगभग कट ऑफ है जो 65 से अबव रहने की इसमें उम्मीद है। दोस्तों यदि आपको एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एमबीसी और गर्ल्स की कट ऑफ जाननी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए। प्रत्येक कमेंट्स का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और इस बार की कट ऑफ है जो काफ़ी हाई रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, लाइक शेयर।